सरकार हाल ही में अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन कर रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। अच्छा दिल्ली के बारे में हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली है वो राष्ट्रीय राजधानी 69वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था, 1990 में आया था दोस्तों ये 69वां संविधान संशोधन। मुख्यमंत्री हैं वो हैं केजरीवाल, केजरीवाल यहां के हैं दोस्तों वो हैं विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना। इस मेले की खास बात क्या है? इस मेले की खास बात ये स्टूडेंट है और शिक्षक है उनके लिए एक फेयर बुक फेयर मेला का आयोजन किया गया है। उसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी पसंद की बुक जो है चुनेंगे और वो किताबें जो है स्कूल तक पहुंचाई जाएंगी दोस्तों। तो ये दिल्ली का दिल्ली एक पहला ऐसा राज्य बन गया। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की खास बात यह है इसमें कि 2030 तक उम्र बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी है दोस्तों। फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो एलिजाबेथ हैं, एलिजा वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 5 मई 1789 में हुई थी और ये पहली सफल क्रांति थी विश्व के लिए दोस्तों। उसके बाद में भारत ने जो स्वीकार किया वो गणराज्य की शक्ति स्वीकार किया है। आज का करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव शारंग हाल ही में किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। भारत में प्रथम जो आईआईटी है, प्रथम आईआईटी वो है दोस्तों खड़गपुर, जो कि 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम आईआईटी था। थोड़ा सा इसके उत्सव के बारे में जान लेते हैं। उत्सव का इस साल का जो उत्सव सारंग है इसके जो थीम है वो है रहस्यमय रंग। थीम बहुत ज्यादा पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाराणसी। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो एमवी क्रूज है वो 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों। ये दूरी तय करेगा 51 दिन में और 51 दिन में जो तय करने के बाद में पांच राज्यों से होकर गुजरेगा। उसके बाद इसका जो किराया है दोस्तों वो 25 लाख रुपए है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य ने हाल ही में गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? तो ये राज्य है दोस्तों केरल। केरल ने 4500 वो पेनल्टी सूट लगाने के बाद में रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों। इससे पहले रिकॉर्ड था जर्मनी के नाम था ये रिकॉर्ड। जर्मनी ने दोस्तों 2500 गोल रिकॉर्ड लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम कर लिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमरीकी सरकार ने कहां के 6 पैगा मकबरों के संरक्षण के फंड देने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में अमेरिकी सरकार ने $2,50,000 देने की घोषणा की है दोस्तों। ये जो मकबरे हैं वो 18वीं से 19वीं शताब्दी में बने थे दोस्तों। उसके बाद इसके बारे में और तथ्य हैं कि ये जो मकबरा बना था वो 1787 के मकबरे बने हुए हैं। ये जो बनवाए थे मकबरे वो तेग जंग बहादुर ने बनवाए थे दोस्तों। बहादुर ने ये मकबरों का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है कि किसने नई दिल्ली में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया विन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अमित शाह, जो कि हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं। इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अच्छा इसके और जान लेते हैं कि जो राजनाथ सिंह ये समय रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद में अनुराग ठाकुर ये युवा खेल मंत्री हैं दोस्तों।